हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो असम राइफल्स की तरफ से जो रिक्वायरमेंट वगैरह आई हुई थी, जो टोटल पोस्टों की संख्या 1230 था। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में आप सभी को हम बताने वाले हैं कि काफ़ी सारे कैंडिडेट है जो कॉमेंट सेक्शन में बार बार कॉमेंट कर रहे हैं कि जो है काफ़ी सारे कैंडिडेट जो फिजिकल तो क्वालिफाई कर ले रहे हैं बट वो टाइपिंग में जा करके बाहर हो जा रहे हैं। तो टाइपिंग में जा करके वो बाहर क्यों हो रहे हैं, तो आप सभी को इस वीडियो में सारे डिटेल्स में बातें बताने वाले हैं एंड आप सभी को वहाँ के जो ग्राउंड है, ठीक है, फिजिकल ग्राउंड है, उसके बारे में आप सभी को पूरे हम डिटेल्स से बताने वाले हैं। आप सभी के किसी और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स आप सभी वीडियो के अंत तक बन रहे एंड आप सभी को एंट्री के वक्त आप सभी को कौन कौन सी डॉक्यूमेंट लग रही है, क्या वहाँ पे जिन कैंडिडेट का 30 स्पीड है को क्या वहाँ पे वो क्वालिफाई कर जाएंगे। तो फ्रेंड्स आप सभी वीडियो के अंत तक बन रहे, यदि आप मेरे चैनल पर व्यू रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दें ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट निकल कर आता है तो सबसे पहले आप सभी को जो इन्फॉर्मेशन दे सके। हाँ तो फ्रेंड्स आप सभी को हम बता दें कि जिन कैंडिडेट का सेंटर दीफू में है, ठीक है, दीफू में है, उन्हीं का फ्रेंड्स उन्हीं के लिए स्पेशल वीडियो है। आप सभी वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्त आप सभी को हम सबसे पहले बताते हैं कि आप सभी जब वहाँ पे एंट्री करेंगे तो आप सभी को कौन कौन सी डॉक्यूमेंट लगने वाली है एंड आप सभी को क्या क्या लेकर के जानी होगी। तो फ्रेंड्स आप सभी को हम बताते हैं कि सबसे पहले आप सभी RT-PCR अपना बनवा लीजिएगा, ठीक है। RT-PCR एकदम कंपल्सरी है, ठीक है। यदि आप लोग ये नहीं लेकर के जाते हैं तो आप सभी को वहाँ पर एंट्री तो मिलेगी ही नहीं, ठीक है। अब ये कहाँ से बनवाएं, तो आप सभी को फ्रेंड्स बता दें कि अपना नज़दीकी PHC यानी प्राइमरी हेल्थ केयर स्वास्थ्य केंद्र से आप अपना बनवा सकते हैं, बट आप सभी को 72 आवर से ज़्यादा का नहीं होनी चाहिए, ठीक है, नहीं तो आप सभी को वहाँ पे डिसक्वालीफाई कर देगा, बाहर कर देगा। तो आप सभी को सबसे बेटर होगा यही कि हम आप लोगों को बता दें कि दीफू स्टेशन पर, ठीक है, दीफू स्टेशन पर आप सभी को वहाँ पर जाँच हो रहा है, चेक हो रहा है और चेक होने के बाद आप सभी को एक वहाँ पर जो टोकन जैसा सर्टिफिकेट मिल जा रहा है, ठीक है, RT-PCR का, ठीक है, वहाँ पे मोहर लगा हुआ एंड सिग्नेचर किया हुआ आप सभी को मिल जा रहा है, ठीक है। तो आप अपना जब स्टेशन पे उतरेंगे तो आप अपना वहाँ पे जो है बनवा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट वहाँ पे कतारबंद तरीके से कतार में लग करके लाइन में खड़े होकर के वो बनवा रहे हैं, ठीक है, थीके? उसी पे आप सभी को एंट्री मिल जाएगी, ठीक है। अब एंट्री के बाद कौन कौन सी डॉक्यूमेंट आप सभी को पास में रखनी होगी, तो आप लोग एक आइडेंटिटी प्रूफ रख लीजिएगा, ठीक है, और अप्लीकेशन फॉर्म, जो आप लोग अप्लीकेशन फॉर्म जब आप लोग अप्लाई किए थे तो जो प्रिंट आउट मिला था आप सभी को, ठीक है, प्रिंट आउट जो आप सभी को मिला हुआ था उसको आप सभी के पास रख लेनी होगी एंड जो आप लोग चालान पेमेंट किए हैं ऑनलाइन जो आप लोग पेमेंट किए उसका रिसीप्ट आप सभी का पास होगा, ठीक है, तो आप लोग वो रख लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप सभी को फ्रेंड्स वहां पे निवास कंपल्सरी है, ठीक है, निवास प्रमाण पत्र आप सभी को होनी चाहिए तभी आप लोग को एंट्री मिलेगी, वरना आप सभी एंट्री नहीं कर सकते, क्योंकि निवास का जो निवास प्रमाण पत्र है उसका एड्रेस देख रहे हैं लोग एंड नाम देख रहे हैं लोग, उसके बाद आप सभी को एंट्री वहाँ पे मिल रही है। और आइडेंटिटी प्रूफ में आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, जो भी हो आप अपना जो है रख सकते हैं। उसके बाद आप सभी को वहाँ पे ले जाएगा, ठीक है, और ले जा करके बैठाएगा और 10-10 करके 10-10 कैंडिडेट को एक लाइन में 10 कैंडिडेट को बैठा करके ऐसे ही एक बैच में 100 कैंडिडेट को बैठा रहा है, ठीक है, यानी एक ग्रुप में 100 कैंडिडेट को रख रहा है और 5 ग्रुप बना रहा है 100-100 करके और 500 कैंडिडेट का एक बार में रनिंग करवा रहा है, ठीक है, तो एक बैच में मतलब रख रहा है 500 कैंडिडेट को, ठीक है। उसके बाद आप सभी को बोलेगा वहां पे कि आप अपना बैग में जो भी सामान है आप अपना रख दीजिए, ठीक है। उसके बाद उसका जो खुद का असम रेफरल्स का जो ट्रक है, गाड़ी है, ठीक है, उस पर आप सभी का जो भी सामान है, बैग, कितने सारे कैंडिडेट जो है शूज पे दौड़ रहे हैं यानी जूता पे दौड़ रहे हैं, कितने सारे कैंडिडेट जूता पर नहीं दौड़ रहे, तो आप अपना जूता जो है अपना बैग में रख सकते हैं, ठीक है, या बांध सकते हैं बैग के जो होता है कंधा पर जो टांगने वाला होता है उसमें, ठीक है। उसके बाद आप सभी को ट्रक पर ले जा करके रख देनी होगी बैग अपना। उसके बाद आप सभी को फ्रेंड्स जो है स्टार्ट पॉइंट पर ले जाएगा, ठीक है, स्टार्ट पॉइंट पर ले जा करके आपको समझा देगा, ठीक है, स्टार्ट पॉइंट पे ले जाने के बाद आप सभी को समझा देगा। समझाने के बाद आपको हम बता दें कि आगा एक बाइक रहेगा, ठीक है, बुलेट जो भी बाइक हो उस पर रेड कलर का झंडा एक लेकर के बैठ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप सभी के पीछे एक एम्बुलेंस होगी, ठीक है, वो वहाँ पे बोलेगा कि जो कैंडिडेट का दौड़ने का मन नहीं है या कोई दिक्कत हो रही है, कोई समस्या आ रही है रनिंग करने में, तो जो है जाकर के एम्बुलेंस पे बैठ सकता है, ठीक है, वो एम्बुलेंस पे जाकर के बैठ सकता है। तो स्टार्ट पॉइंट से पीछे एम्बुलेंस रहेगी, आगे बुलेट जो भी बाइक रहेगी, ठीक है, और आप सभी को वहाँ से स्टार्ट पॉइंट से रनिंग स्टार्ट हो जाएगा। रनिंग स्टार्ट होने के बाद जो भी आपका सामान होगा वो पहले ही चला जाता है फिनिशिंग पॉइंट के पास, जहाँ आप
लोग वहाँ पे क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। वहाँ आप सभी को सारे सामान वहाँ पे मिल जाएगा। अब वहाँ पे बातें कर रहे थे कि वहाँ पे ग्राउंड कैसा है, तो ग्राउंड जो है पहाड़ी इलाका में तो है, तो उसको काट करके बनाया गया चीप वाला रोड है, ठीक है। आप लोग खाली पैर भी वहाँ दौड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम खुद फ्रेंड्स वहाँ पे जो है रनिंग किए हुए हैं, ठीक है। तो ऐसा करके पीछे जैसा रोड होता है वैसे ही रोड है, काफ़ी अच्छा है, आप लोग रनिंग कर सकते हैं जूता पहन करके भी, खाली पैर भी। उसके बाद आप सभी को हिल यानी पहाड़ पहाड़ जैसा चढ़ाव उतराव आप सभी को 10 से 12 देखने को मिलेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा ऊंचाई है फ्रेंड्स, आप सभी यदि घर पर प्रैक्टिस किए होंगे तो आप क्वालिफाई जरूर कर देंगे, आपको फुल टाइम वहाँ पर मिल रहा है, दे रहा है लोग, ठीक है। उसके बाद आप लोग जब ये क्वालिफाई कर जाएंगे तो आप सभी को वहाँ पर जो है सारा सामान मिल जाएगा जो भी बैग में आप लोग रखे होंगे। उसके बाद आप सभी को फ्रेंड्स वहाँ पर सबसे पहले हाइट वेट टेस्ट देखा जाएगा, जिसको हम बोलते हैं PST, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आप सभी को हाइट के अकॉर्डिंग आप सभी का वेट होनी चाहिए। यदि आप सभी का वेट कम भी है तो कम भी हो या ज़्यादा भी हो तो चल जाएगा, क्योंकि आप सभी को मेडिकल के टाइम आप सभी को मेंशन अपना मेंटेन कर लेनी होगी, वो लोग बता देंगे, ठीक है। हाइट वेट टेस्ट देखा जाएगा, यदि आप सभी का हाइट 1.65 हो, ठीक है, तो आप सभी का वेट 55 से 60 के बीच में होनी चाहिए, बट ज़्यादा या कम भी हो तो कोई बात नहीं, आप सभी को मेडिकल के टाइम अपना मेंटेन कर लेनी होगी, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स आप सभी को वहाँ पे जो है चेस्ट देखा जाएगा, नॉर्मल 77 होनी चाहिए और फुला करके आप सभी को 82 होनी चाहिए, जो कंटेंट केस में कम है वो लोग बाहर हो जा रहे हैं, यानी 3 चांस आप सभी को फुलाने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद बातें कर रहे थे कि आप सभी को वहाँ पे एक टोकन मिल जाएगा एडमिट कार्ड जैसा, कि आप लोग अगले दिन टाइपिंग टेस्ट देने आइए, ठीक है। तो टाइपिंग टेस्ट में आप सभी को क्या करनी है, तो फ्रेंड्स आप सभी को बता दें कि टाइपिंग टेस्ट देने से पहले आप अपना कीबोर्ड चेक कर लीजिएगा, ठीक है, कीबोर्ड वहां पे चेक कर लीजिए, क्योंकि एक बार जब टाइपिंग स्टार्ट हो जाएगा तो आप सभी कितनों भी बोलते रह जाएंगे, चिल्लाते रह जाएंगे, कोई सुनने वाला नहीं है, आप सभी को वहां पे टाइपिंग डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। अब हम बातें कर लेते हैं वहां पे टाइपिंग कौन सी ट्रिक अपना करके करनी होगी, तो फ्रेंड्स आप सभी को हम बता दें कि एक लाइन में, ठीक है, एक लाइन में 10 वर्ड मतलब आ रहा है, ठीक है, तो आप सभी को एक लाइन में जो भी वर्ड लिखा हुआ, जैसे मानकर चलिए एग्जांपल में ये वर्ड हुआ, ठीक है, 10 वर्ड हुआ, ठीक है, इसको आप लोग, ठीक है, इसको आप लोग टाइप करने के बाद आप सभी को क्या करना है, इंटर प्रेस करनी होगी, ठीक है, तभी आप लोग अगला वर्ड पे जाएंगे, ठीक है। अगला लाइनिंग जो वर्ड है हर लाइन में 10 मतलब हर लाइन में, ठीक है फ्रेंड्स, 10 वर्ड आ रहा है, ठीक है, यानी ऐसे ही करके 35 लाइन आएगा, ठीक है, यानी 35 यानी 350 वर्ड पर मिनट मारना है 10 मिनट में आप सभी को, ठीक है, 35 वर्ड पर मिनट आप सभी को, यानी 350 वर्ड मारनी है 10 मिनट में, ठीक है। तो आप सभी जब वर्ड पूरा ये टाइप कर लेंगे तो आप सभी को इंटर प्रेस करेंगे, तभी अगला वर्ड पे आप लोग आएंगे। कितने सारे कैंडिडेट है, कोई 50 का स्पीड तो मार रहे हैं, 55 का मार रहे हैं, 60 का मार रहे हैं, बट वहाँ पे जा करके डिस्क्वालीफाई हो जा रहे हैं, टाइपिंग क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, तो कोई यही गलती है, क्योंकि वर्ड टाइप करने के बाद क्या कर रहे हैं, अगले वर्ड पे आने के लिए ना स्पेस बार का प्रेस करते हैं, जो स्पेस बार होता है ना बीच में 12 वाला बटन, ठीक है, पूरे वर्ड टाइप 10 वर्ड टाइप करने के बाद स्पेस बार का प्रेस कर दे रहे हैं कि अगला वर्ड पर चल जाएंगे, बट वो अगला वर्ड पर चले जाएंगे, बट वो गलती काउंट कर दिया जाएगा, ठीक है, वो गलती काउंट कर लिया जाएगा, गलती काउंट कर लिया जाएगा। उसके बाद आप सभी को स्पीड भी अच्छा खासा होगा, तो ऐसे ही 35 लाइन तो है ही, और जो कैंडिडेट 35 बार स्पेस बार प्रेस करेंगे तो 35 तो गलती ऐसे ही काउंट हो गया, ठीक है, और अलग जो वर्ड किए होंगे वो किए होंगे, इसीलिए वो डिस्क्वालीफाई हो जा रहे हैं। बट यहां पर आप सभी को क्या करनी होगी, इंटर प्रेस करनी, जैसे वर्ड खत्म होता है लाइन एक लाइन, उसे आप सभी को इंटर प्रेस करनी होगा, ठीक है, इंटर कौन सा प्रेस करना है, तो इंटर प्रेस करेंगे तो आप लोग अगला वर्ड पे आ जाएंगे, ठीक है। जैसे मान कर चलिए एग्जांपल में ये वर्ड आप लोग टाइप कर ले, ठीक है, तो उसके बाद आप लोग इंटर प्रेस करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे तो अगला लाइन वर्ड जो है उस पर आप लोग आ जाएंगे, ठीक है, आप लोगों को स्पेस बार यहाँ पर यूज नहीं करनी है। तो फ्रेंड्स यही था, और आप अपना टाइपिंग सिस्टम पर बैठने से पहले आप अपना जो है सिस्टम चेक कर लीजिएगा कि क्या वहाँ पर कौन कौन से वर्ड जो है काम नहीं कर रहे, वर्क नहीं कर रही, तो आप लोग वहाँ पर बोलेंगे तो वहाँ पर आप लोगों को कीबोर्ड जो है चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद टाइपिंग स्टार्ट हो जाने के बाद आप लोग बोलेंगे कि ये वर्ड काम नहीं कर रहा है, स्पेस बार काम नहीं कर रहा है, इंटर काम नहीं कर रहा है, तो आप सभी को वहाँ पे चेंज नहीं हो सकता और आपको मौका नहीं दिया जा सकता दोबारा, ठीक है। और एक बैच में 15 से 20 कैंडिडेट बैठ रहे हैं, तो आप लोग अपना यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स यदि आप सभी को कोई भी डाउट हो तो आप लोग हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद।